बंगाल की दुर्गा पूजा उत्सव अब यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा बन गया है। माँ दुर्गा की स्तुति का ये पर्व सदियों से बंगाल का अहम हिस्सा रहा है, लेकिन दुर्गा पूजा की धुन अब बंगाल से निकलकर देश और पूरी दुनिया पर छा चुकी है। यूनेस्को से मिले कल्चरल हेरिटेज के तमगे से बंगाल बेहद उत्साहित है, लिहाजा सीएम ममता बनर्जी ने इस बार की दुर्गा पूजा को यादगार बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। 1 सितंबर को ममता बनर्जी यूनेस्को का धन्यवाद करने के लिए मेगा रैली करने जा रही हैं। रैली के दौरान शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका नेतृत्व खुद ममता बनर्जी करेंगी। ममता के बुलावे पर खुद यूनेस्को के निदेशक एरिक फॉल्ट अपनी टीम के साथ दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुँच रहे हैं। बंगाल में हर साल इस दौरान लगभग 37,000 सामुदायिक पूजा का आयोजन किया जाता है, इसमें से करीब 2500 आयोजन अकेले कोलकाता में होते हैं। जाहिर है कि इस गुड न्यूज के बाद इस बार की दुर्गा पूजा केवल बंगाल ही नहीं बल्कि देश भर के लिए बेहद खास होने वाली है। कोरोना के कारण करीब 2 साल पहले दुर्गा पूजा का जश्न फीका रहा, लेकिन इस बार बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और पाबंदियों को लेकर भी कोई टेंशन नहीं है। कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा आयोजन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की, उनकी परेशानियों को समझा और फिर उन्हें राहत देने की कोशिश की। सरकार की तरफ से इस बार दुर्गा पूजा कमेटियों को पिछली बार से 10,000 रूपए ज्यादा अनुदान दिया जाएगा। हर कमेटी को 60,000 रूपए सरकार देगी। बिजली भी रियायती दर पर मिलेगी। बिजली बिल पर 50% के बजाय 60% छूट दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार के सभी दफ्तर 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। दुर्गा पूजा बंगाल की पहचान से जुड़ी है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर बंगाल का हर आदमी खुद को दुर्गा पूजा से जुड़ा महसूस करता है। यही वजह है कि राज्य सरकार भी इसमें अपनी अच्छी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। कश्मीर के राजौरी में शाहीन अख्तर कामयाबी की मिसाल बनकर उभरे हैं। अपनी काश्तकारी और हुनर के दम पर शाहीन ने खुद का हैंडलूम बिजनेस खड़ा किया है। शाहीन खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर तैयार कर रही है। पिछले 9 साल से लगातार मेहनत कर शाहीन कटिंग, टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में खुद को पारंगत बना चुकी हैं और अब इसका फायदा आसपास की लड़कियों को भी मिल रहा है। मैंने ये रखा हुआ काम काफी अरसे से, मुझे 9 साल हो गए काम करते हुए। कुशन भी बनाती हूँ, ये रुमाल वगैरह ड्रेस भी बनाती हूँ। मेरे पास काफी सारे लोग आते हैं, कुछ लड़कियाँ भी मैंने ट्रेंड की हुई हैं, वो आज अपने बलबूते पे काम कर रही हैं। शाहीन अब तक कई लड़कियों को ट्रेनिंग देकर अपने पैरों पर खड़ा कर चुकी हैं। यानी शाहीन इस कारोबार के दम पर न केवल अपना परिवार चला रही हैं बल्कि दूसरी जरूरतमंद लड़कियों को राह दिखाने का जरिया भी बन रही हैं। कश्मीर के शाहीन ने अपने हुनर और कड़ी मेहनत के दम पर समाज में एक शानदार नजीर पेश की है। आज फरीदाबाद में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले अमृत अस्पताल का उद्घाटन होने जा रहा है। पीएम मोदी इस अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। इस अस्पताल में 2400 बेड्स होंगे, जिनमें 534 आईसीयू बेड्स भी शामिल हैं। इस अस्पताल का संचालन माता अमृतानंदमयी के अमृता मठ के माध्यम से किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि यहां मरीजों को इलाज के साथ देखभाल और स्नेह भी मिलेगा। 133 एकड़ जमीन में फैले इस विशाल अस्पताल में 81 किस्म के स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स होंगे। सारे जितने फैकल्टी हैं, अभी हमारे पास करीब 200 से 250 फैकल्टी हैं और बाकी जितने नर्सिंग स्टाफ हैं और टेक्निकल स्टाफ हैं, तो जो साइंस में अप्रोप्रिएट है, रैशनल है, वो प्रैक्टिस होगा। ये देश के बड़े निजी अस्पतालों में से एक होगा और इसके खुलने से दिल्ली एनसीआर के लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। आसमान से आफत बनकर बरस रही बूंदे रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसे देखते हुए भोपाल समेत राज्य के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने मिलकर विदिशा में 190, राजगढ़ में 103, अशोकनगर में 94, रायसेन में 7, जबलपुर में 5, मंडला और गुना में 3-3 लोगों को बचाया है। वहीं सिद्धी में भी 2 लोगों को सरकारी एजेंसियों ने बचाया। भारी बारिश से बिगड़े हुए हालात को देखते हुए खुद सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला। उन्होंने हवाई सर्वे करके प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में इसी तरह से बारिश का दौर जारी रह सकता है।
जिसे देखते हुए प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। नोएडा में 28 तारीख को सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की तारीख तय की गई है, लेकिन ध्वस्तीकरण के दौरान आसपास की सोसाइटी में लगे पेड़ पौधे और ग्रीनरी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और आसपास की सोसाइटी के RWA के लोग विशेष तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हॉर्टिकल्चर टीम को बुलाकर सभी पेड़ पौधों को ढकने का काम किया जा रहा है, जिससे कि बिल्डिंग का मलबा उन पर नहीं गिर सके। इतना मेरा हॉर्टिकल्चर है, जो भी ग्रीन एरिया घास है, पेड़ है, बच पाए तो भी सोसाइटी की जान है हमारी हॉर्टिकल्चर, और उसी को हम बचाना चाह रहे हैं। उसके कारण हमने बहुत सारा काफी पैसा खर्च किया है, उसके लिए सब ये प्लास्टिक शीट्स मंगाई गई है। ट्विन टावर के बगल में स्थित एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में RWA के द्वारा बुलाई गई हॉर्टिकल्चर टीम ने पेड़ पौधे और ग्रीनरी को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है, जो कि 27 अगस्त तक चलेगा। धमकी भरे कॉल और मैसेज को देखते हुए मुंबई में सभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, किसी भी आतंकी घटना से निपटने के लिए कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर एक मॉक ड्रिल भी की गई, जिसमें RPF, GRP, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। काफी धमकियां मिली है कि हम रेलवे को या पूरे हिंदुस्तान में घातपात कार्रवाई करेंगे, सबको नष्ट कर देंगे। इस अनुसंधान पे रेलवे प्रशासन, पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट हुए हैं। वरिष्ठ कार्यालयों से हमें आदेश मिले हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहे। इस ड्रिल के दौरान बम हमले को नाकाम करने की तैयारियों को परखा गया, साथ ही स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को भी जागरूक किया गया ताकि आतंकी हमले जैसी वारदात को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। यूपी में ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया। इसके लिए जोन और रेंज स्तर पर एंटी नारकोटिक्स पुलिस थाने बनाए जाएंगे। पहले चरण में बाराबंकी और गाजीपुर में एंटी नारकोटिक्स थाना बनेगा। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि राज्य ने ड्रग्स के अवैध व्यापार को रोकथाम के लिए ये बड़ा कदम उठाया। जो मादक पदार्थों का संचरण हो रहा है या मादक पदार्थों का उपयोग हो रहा है, उसके उपयोग को रोकने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को एक IG रेंज का अफसर लीड करेगा और इसके साथ SP रैंक के ऑफिसर्स को भी इस टास्क फोर्स में जोड़ा गया है।